बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि अब हमारा 2020-2021 का बजट पेश किया गया, उसमें उन्होंने कोई इतना ख़ास आवाम के लिए कोई इतना ख़ास उन्होंने बजट पेश नहीं किया। उन्होंने वही चीज़ें जो पिछले साल थी उसी को साथ ही लेकर चल रहे हैं। इस टाइम आपको पता है कि कोरोना की वजह से तमाम मार्केटों के हालात कैसे जा रहे हैं। 2 महीने उन्होंने बंद रखा पहले कोरोना की वजह से मार्केटों को, फिर मार्केटें खोली हैं, कभी वो मार्केटें बंद कर देते हैं, कभी वो खोल देते हैं। कुछ समझ नहीं, हुकूमत को ख़ुद भी कुछ समझ नहीं आ रही। इसके लिए हम यही कहते हैं कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाता, छोटे ताजरों को क्या कहते हैं फेवर दी जाती, और उसमें जो छोटा हमारा जो मार्केट के छोटे दुकानदार हैं उन्हें कम अज़ कम 10-15 लाख रुपया देते। उसके अलावा उन्हें क्या कहते हैं सूद के बगैर उन्हें पेमेंट यही रिलीफ करते तो कुछ समझ आती थी। इन्होंने अपने ही सिर्फ मामलात को देखते हुए उन्होंने बजट पेश किया। हम इनसे नहीं मानते कि बजट वही है जो पीछे चलता आ रहा है। और जैसा कि आपको दूसरे मामलात का पता है कि इमरान खान साहब ने जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि लॉकडाउन नहीं करेंगे। तो कल आके उन्होंने जो वज़ीर हैं उन्होंने आके फिर उन्होंने कह दिया कि लाहौर के तकरीबन 75% जितने भी इलाके उन्हें बंद करने जा रहे हैं आज से। तो ये अब समझ पॉलिसी की इनकी समझ नहीं आ रही है क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पिस रहा है और पिसता जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हम तो जिस तरह अपने मार्केटों में SOPs का ध्यान रख रहे हैं, हर दुकान पर हम सैनिटाइज़र भी दे रहे हैं, मास्क भी दे रहे हैं। हमने अपना मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट का, क्योंकि हम जाके हर एक आगाही भी कर रहे हैं कि इस तरह मामलात को हल किया जाए। तो इन्हें कुछ हमारी समझ से बाहर है कि ये कैसी हुकूमत है जो जिन्हें खुद नहीं समझ आ रही उन्होंने करना क्या। तो आगे आपके सामने है मुल्की हालात कैसे जा रहे हैं। रोज़ करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है, पोर्टों पर निज़ाम ख़राब हुआ हुआ है। जो ये इन्हें चाहिए था कि ताजर को रिलीफ देते, कुछ मामलात जो पोर्ट पे मसले मसाइल चल रहे हैं उसको बेहतरी की तरफ लेके आते। कुछ समय अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही।